हेलो दोस्तों, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्पेशल विजुअलाइजेशन। तो आज का टॉपिक आएगा स्पेशल विजुअलाइजेशन। इसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो है सरफेस काउंट, टॉप फ्रंट एंड साइड व्यू, फोल्डिंग, हिडन फिगर, मिरर इमेज, आखिरी वाला ऑड फिगर्स। ये इसमें 8 टॉपिक आते हैं। तो आज हम इसका पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सरफेस काउंट। मैं इसकी 1 मिनट वाली मेरी खुद की इजाद की हुई एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस पे थ्योरी तो कुछ आता नहीं है, बस एमसीक्यू क्वेश्चंस ही आते हैं। तो मैं वो ट्रिक बता के हम एमसीक्यू सेट स्टार्ट करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं ट्रिक से। तो मैंने ये 2 ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। मैंने ये ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा काउंट द टोटल सरफेसेस, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इसको काउंट कैसे करते हैं? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको रैंडम स्टार्ट करते हैं। एक यहाँ से इसको एक पकड़, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और नीचे वाला 8, इस तरीके से इनको काउंट करते हैं। तो ये कोई करेक्ट बात नहीं है। अगर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो तो ये तरीका काम नहीं आता। तो मैं यहाँ पे एक मेथड बताता हूँ, इसका अप्रोच क्या रहता है सॉल्व करने का, जिससे आप फास्ट भी सॉल्व कर सकते हो और ईजी भी सॉल्व कर सकते हो। पहली एक बात ध्यान रख लो, ये जो साइड रहेगी ये हमारी हमेशा फ्रंट साइड रहेगी, इसको हमेशा फ्रंट साइड बोलो। ये अगर फ्रंट साइड आ गई तो ये साइड इस ब्लॉक की राइट साइड आएगी, ये राइट आ गई। अगर ये फ्रंट है तो ये पीछे वाली बैक साइड आएगी, और ये बैक आ गई तो ये जो इस साइड से पीछे वाली आएगी तो ये लेफ्ट साइड आएगी। तो समझ में आ रहा है, ये फ्रंट आती है, इसके राइट में जो है अपने राइट हैंड पे जो आता है वो फ्रंट राइट साइड आती है, फ्रंट के जो लेफ्ट साइड में आ है वो लेफ्ट साइड आती है, फ्रंट के पीछे साइड जो है वो बैक साइड आती है, नीचे वाली जो साइड है वो बॉटम साइड बोलते हैं, और ऊपर वाली जो साइड आती है तो इसको टॉप साइड बोलते हैं। ये 6 साइड बेसिकली आती है काउंट करने के लिए। तो इनको काउंट कैसे करते हैं, तो इसको लिख लो कैसे काउंट करते हैं। टॉप के लिए टी, फ्रंट के लिए एफ, राइट साइड के लिए आर, लेफ्ट साइड के लिए एल, बैक साइड के लिए बी और बॉटम के लिए बी टी। ऐसे मैं नोमेनक्लेचर यूज़ करता हूँ इनके लिए। तो अब सरफेस काउंट करना स्टार्ट करते हैं। इसी मेथड से अगर काउंट करेंगे तो कंफ्यूज भी नहीं होंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉप साइड। तो ये रही आपकी पहली टॉप साइड, और ये रही आपकी दूसरी टॉप साइड। तो हमारे टोटल टॉप सरफेसेस कितने आ गए, तो 2 आ गए। अब फ्रंट साइड देखते हैं। फ्रंट पे हमें ये एक कंप्लीट सरफेस दिख रहा है। तो यहाँ पे फ्रंट कितना आएगा, 1 आएगा। राइट साइड अगर देखा तो राइट साइड हमें कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, एक ये और एक ये। तो राइट कितनी साइड आ गई, तो 2 साइड्स आ गई। सिमिलरली लेफ्ट भी पीछे से अगर देखा, इस साइड से अगर देखा देखते हैं तो हमें कितनी साइड दिखेगी, तो यहाँ पे 2 साइड दिखेगी, एक इसका पीछे वाला पार्ट आएगा और एक इसका पीछे वाला पार्ट आएगा। तो ये
यहाँ पे दो साइड्स आएंगे। सिमिलरली बैक साइड से अगर देखेंगे, इस साइड बैक साइड से अगर देखेंगे तो ये वाला, ये वाली जो साइड रहेगी ब्लॉक, तो ये एक आएगी और ये वाली एक साइड आएगी, ये भी आपका बैक में ही आएगा और ये भी एक बैक में भी आएगा। तो बैक कितनी आएगी, दो साइड आएगी। और बॉटम कितनी आएगी, नीचे वाला कंप्लीट एक सरफेस दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक सरफेस दिख रहा है, कहाँ पर भी लाइन नहीं है, तो यह एक आएगी। तो इस तरीके से अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल साइड्स कितनी आ गई, दो और एक तीन, तीन और दो पाँच, पाँच प्लस टू, फाइव प्लस टू सेवन, सेवन प्लस टू नाइन, नाइन प्लस वन टेन, टोटल सरफेस टेन आ गए और इसमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर आप काउंट करेंगे तो इस तरीके से कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और इजीली काउंट होंगे। तो ये हमारा दूसरा एग्जांपल है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने जो बताया था कि ये हमारी फ्रंट साइड रहेगी, तो यहाँ पे फ्रंट साइड का काउंट कितना आता है, तो एक ही साइड दिख रही है इसलिए ये वन आएगा। फिर राइट साइड का काउंट कितना आएगा, अगर ये मेरी राइट साइड है तो राइट साइड का काउंट भी हमारा एक आएगा। अब बैक साइड से देखते हैं, यहाँ पे यहाँ का एक सरफेस आएगा और ये एक सरफेस आएगा, तो हमारा बैक साइड का काउंट आ गया, दो आ गया। उसी तरीके से टॉप साइड देखते हैं, टॉप साइड से एक ये सरफेस आता है और ये एक सरफेस आता है, तो टोटल टॉप साइड का काउंट कितना आता है, तो टॉप साइड का काउंट दो आता है। उसी तरीके से अगर लेफ्ट साइड देखें पीछे से, तो यहाँ पे कंप्लीट एक सरफेस दिखेगा, तो ये आएगा एक, और लास्ट में बॉटम साइड आएगी जो भी कम्प्लीटली यहाँ से यहाँ तक अगर देखा तो कम्प्लीटली एक सरफेस दिख रहा है, इसलिए बॉटम पे भी हमारा एक आएगा। अब बचा ये टेढ़ा वाला पार्ट, इसको हम स्लैंटेड बोलते हैं, इसको हम स्लैंटेड ST नाम से बोलते हैं। तो ये टोटल कितना है सरफेस, एक ही सरफेस है इसलिए इसको एक आएगा। तो अगर हम टोटल काउंट करेंगे, दो और एक तीन, तीन और एक चार, चार और एक पाँच, पाँच और एक छः, छः और दो आठ और एक नौ, तो टोटल कितना आता है, काउंट कितना आता है, तो नौ का काउंट आता है। फिर से एक बार गिनते हैं, दो और एक तीन, तीन और एक चार, चार और एक पाँच, पाँच और एक छः, छः और दो आठ, आठ और एक नौ। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट इसमें पूरा सेट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन का सेट आएगा तो वो सॉल्व करेंगे। तो आप ये देख रहे हो कि ये हार्डली एक मिनट में सॉल्व हो रहा है, ना कोई कन्फ्यूजन रहता है ना कुछ रहता है, इससे बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आप अगर इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो पेपर में कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन सेट सॉल्व करते हैं, तो आज का सेट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सरफेस काउंट स्टार्ट करते हैं, तो पहला हमारा आता है टॉप, तो टॉप पे हम देखते हैं एक, दो और तीन, तो टोटल तीन है। अब फ्रंट से देखते हैं, तो फ्रंट पे देखेंगे तो एक आएगा, बैक से देखेंगे बी तो एक आएगा, और बॉटम से देखेंगे तो ये एक आएगा और ये एक आएगा। तो दो डिफरेंट सरफेसेस से, इसलिए बॉटम से दो आएंगी और स्लांटेड ST। यहाँ पे बहुत सारी सरफेसेस स्लांटेड है, ये एक सरफेस स्लांटेड है, पिछले वाला एक सरफेस स्लांटेड है, ये बीच वाला, ये और ये, टोटल हमारे ये और ये, टोटल अगर काउंट करेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, टोटल आठ सरफेस हमारे पीछे वाले आते हैं। तो टोटल काउंट कितना होगा हमारा, अठारह तो दस, दस और पाँच पंद्रह, टोटल काउंट आएगा हमारा पंद्रह। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, यही हमें एग्ज़ाम में भी करना है। इसी मेथड से अगर करेंगे तो फास्ट होता है, और जो ऑनलाइन पेपर रहता है वहाँ पे भी ये करना आसान होता है, हर वक्त काउंट करने में कन्फ्यूजन नहीं होती। तो हम नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे हमें सरफेस काउंट करना है सेकंड क्वेश्चन में। तो हमें टॉप से फिर से स्टार्ट करते हैं, टॉप सरफेसेस से, तो टी में लिख लेता हूँ। टी पे क्या क्या आएगा, ये एक आएगा टी,
ये एक आएगा टी और ये हमारा पूरा आएगा टॉप सरफेस। तो टोटल टॉप सरफेसेस कितने आ गए, 3 आ गए। फिर हम राइट साइड से देखते हैं, यह मेरी राइट साइड है तो मैं राइट साइड से देखूँगा। तो राइट साइड पे ये एक सरफेस आ गया, ये एक सरफेस आ गया, ये एक सरफेस आ गया और ये एक सरफेस आ गया। तो टोटल 4 सरफेस राइट से आएंगे। अब देखते हैं लेफ्ट से, पीछे से कितने सरफेस दिखेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट से हमें 2 सरफेसेस दिखेंगे, एक पीछे वाला सरफेस और ये अंदर छुपा हुआ सरफेस एक हमें लेफ्ट साइड से दिखेगा। तो लेफ्ट से हमें टोटल 2 सरफेसेस दिखेंगे। अब देखते हैं फ्रंट साइड से दिखने वाले सरफेस। तो ये एक फ्रंट साइड का सरफेस है और ये एक फ्रंट साइड वाला सरफेस है और ये एक फ्रंट साइड वाला सरफेस है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे ये सरफेसेस देख रहा हूँ। तो फ्रंट साइड वाले हमारे 3 सरफेस आ गए। अब देखते हैं बैक साइड से कितने सरफेसेस दिखेंगे। तो हमें बैक साइड से 2 सरफेसेस दिखेंगे, एक ये पूरा सरफेस दिखेगा क्योंकि यहाँ पे ये पूरा सरफेस दिखेगा बैक वाला। तो ये एक आ गया और यहाँ पे एक आएगा पीछे छुपा हुआ सरफेस है, तो यहाँ पे बैक का सरफेस आएगा, टोटल 2 आएंगे। बॉटम से देखेंगे तो ये कम्प्लीट एक साइड है, ये कम्प्लीट एक साइड है। तो बॉटम से हमें एक ही सरफेस दिखेगा और स्लांटेड ST, स्लांटेड में भी ये एक टेढ़ी साइड है तो ये भी एक ही साइड आएगी। तो ये टोटल आ गया 1। तो यहाँ पे अगर हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे 16 आ रहा है टोटल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फिर से C हमारा सही जवाब होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, अगर आपको नहीं समझा है तो मुझे बस कमेंट में लिख देना सर ये नहीं समझता है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉप सरफेसेस से। तो ये एक टॉप आ गया, ये टॉप आ गया और ये टॉप आ गया। तो टोटल टॉप सरफेसेस 3 आ गए हैं। अब देखते हैं राइट साइड सरफेसेस से। तो ये एक राइट साइड आता है और ये दूसरा राइट साइड आता है। तो मेरा आर कितना आ गया, 2 आ गया। अब लेफ्ट साइड देखते हैं, लेफ्ट साइड से पीछे से अगर देखेंगे तो एक ही सरफेस दिखेगा, वो भी ये सरफेस है। तो लेफ्ट साइड से हमें एक सरफेस दिखेगा। अब देखते हैं फ्रंट साइड से। तो फ्रंट साइड से ये एक सरफेस दिखेगा और ये एक सरफेस दिखेगा और ये एक सरफेस दिखेगा। टोटल फ्रंट साइड से हमें 3 सरफेसेस दिखेंगे। अब देखते हैं बैक साइड से, फ्रंट हो गई। अब हम देखते हैं बैक साइड से, पीछे से हमें एक सरफेस दिखेगा और बॉटम साइड से, ये अगर पूरा कंप्लीट है, यहाँ पे कोई डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, तो हमें बॉटम साइड से भी एक ही सरफेस दिखेगा। अब बच गया हमारा ये टेढ़ा वाला पार्ट, स्लैंटेड पार्ट। तो ये टोटल कितना है, तो एक पार्ट है। तो इनके अगर हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 3 6 6 और 4 10 और 2 12, टोटल इनका आ रहा है 12। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी सही जवाब होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये हमारे आज के सेट का 4th क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो टी टॉप सरफेसेस कितने आएंगे, हमारे तो 2 आएंगे। ये एक टॉप सरफेस आएगा और ये पूरा एक टॉप सरफेस आएगा। यहाँ पे देखो कोई डिस्कनेक्ट नहीं है, इसलिए ये पूरा कनेक्ट, पूरा काउंट हो रहा है। ये और ये दोनों डिस्कनेक्ट है इसकी वजह से, इसलिए हम इसको टॉप सरफेस में नहीं गिन रहे हैं और ये एक नहीं गिन रहे, इसलिए 2 गिन रहे हैं। तो ये आता है 2 टॉप सरफेस आएंगे। अब टॉप हो गया। अब हम देखते हैं राइट साइड से। तो राइट साइड से ये एक दिख रहा है और ये एक दिख रहा है। तो हमारा आर कितना आ गया, फिर से 2 आ गया। अब लेफ्ट साइड से पीछे से अगर देखेंगे तो ये तो पार्ट स्लांटेड है, ये काउंट नहीं होगा, ये बस इसके पीछे वाला सरफेस काउंट होगा यहाँ पे। तो हमारा एल कितना आ गया, तो 1 आ गया। अब हम फ्रंट साइड देखेंगे, फ्रंट साइड हमारे 2 है, ये एक दिख रही है और ये अंदर वाला पार्ट है एक दिख रहा है और ये ऊपर वाला पार्ट 1 है। तो हमारा फ्रंट साइड कितना आएगा, तो ये 3 आएंगे। अब देखते हैं बैक साइड से। बैक साइड से ये और ये कनेक्टेड है, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है दोनों सरफेस। तो यहाँ पे बैक साइड से अगर देखेंगे तो बैक साइड से हमारा एक ही सरफेस आएगा और बॉटम से अगर देखेंगे तो ये और ये भी कम्प्लीटली एक सरफेस है, तो हमारा बॉटम भी एक ही आएगा। बॉटम सरफेस भी एक ही आएगा। अब गिनते हैं स्लांटेड सरफेस। देखो ये भी एक स्लांटेड सरफेस है, ये एक स्लांटेड सरफेस है और ये एक स्लांटेड सरफेस है। तो टोटल स्लांटेड सरफेस कितने आते हैं, तो 3 आते हैं। तो चलो इनको गिनते हैं।
तीन और तीन छः, छः और चार दस, दस और तीन ये होता है छः, ये हो गए चार दस और ये ऊपर के तीन, तो टोटल आता है 13। तो इनका टोटल काउंट आता है 13, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी सही जवाब होगा। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है एग्ज़ाम में, इससे स्पीड भी आती है और कन्फ्यूजन भी नहीं होता है। एक एक अगर काउंट करेंगे तो कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। यही समझाना था और यही आपको पेपर में करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक इजी क्वेश्चन है और ये पिछले कई सालों से दो बार आ चुका है एग्ज़ाम में, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अच्छे से समझ लो। तो यहाँ पे हमें फिर से सरफेसेस काउंट करने हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टॉप सरफेसेस से। तो टोटल टॉप सरफेसेस क्या क्या दिखेंगी, ये एक है टॉप सरफेस है, ये एक टॉप सरफेस है और ये एक टॉप सरफेस है। तो यहाँ पे टॉप सरफेस कितने दिखेंगे, तीन दिख रहे हैं। अब राइट साइड से अगर देखेंगे हम, राइट साइड तो हमारी ये है, तो राइट साइड से अगर देखेंगे तो ये एक सरफेस दिख रहा है राइट साइड से, ये एक सरफेस दिख रहा है, ये एक सरफेस दिख रहा है। टोटल हमें राइट साइड से तीन सरफेस दिखेंगी। अब लेफ्ट साइड से अगर देखेंगे तो सिमिलरली पीछे से अगर देखेंगे तो ये एक सरफेस दिखेगा, ये एक सरफेस दिखेगा और ये एक सरफेस दिखेगा। जैसे राइट साइड में दिखा था वैसे ही लेफ्ट साइड से ही दिखेगा। तो लेफ्ट साइड से भी ये सरफेस दिखेंगे। अब देखते हैं फ्रंट साइड से, देखेंगे तो ये एक फ्रंट वाला पूरा एज जो दिख रहा है ये पूरा फ्रंट साइड से दिखेगा। सिमिलरली बैक से भी हमें एक ही एज दिखेगा, तो बैक से भी हमारा एक एज पार्ट आ गया। अब देखते हैं बॉटम से यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो वो भी समझ लेंगे। तो यहाँ पे एक बॉटम वाला दिखेगा और ये एक बॉटम वाला दिखेगा, और ये जो नीचे छुपा हुआ है ये एक बॉटम वाला दिखेगा। मैं ज़रा दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ये हिडन पार्ट है। तो ये जो अंदर छुपा हुआ पार्ट है ये एक दिखेगा। तो टोटल आ गए आपके बॉटम के तीन आ गए। अगर हम इनको टोटल काउंट करते हैं तो यहाँ पे कितने आएंगे, टोटल आएंगे 14, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा छठा पजल है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे टॉप सरफेसेस कितने दिख रहे हैं दोस्तों, तो ये एक और ये दो, टोटल यहाँ पे सरफेसेस है दो, टॉप सरफेसेस दो। अब देखते हैं फ्रंट साइड से, अगर देखेंगे तो ये एक दिखेगा, और ये एक दिखेगा। तो टोटल फ्रंट साइड से कितने दिख रहे हैं, तो टोटल तीन दिख रहे हैं। सिमिलरली अगर राइट साइड से देखेंगे तो ये एक कंप्लीट सरफेस है, ये एक दिखेगा और ये एक दिखेगा। तो राइट साइड से भी हमें तीन सरफेस दिखेंगे। अब देखते हैं बॉटम साइड से, ये तो कंप्लीट सरफेस है, तो ये बॉटम का एक तो आ गया, पर ये जो अंदर वाला है ये भी ऐड होगा। तो यहाँ पे बॉटम साइड से दो सरफेसेस दिखेंगे। अब लिखते हैं लेफ्ट का, राइट के सामने लिखते हैं, लेफ्ट साइड से हमें देखेंगे तो कंप्लीट एक ही सरफेस दिखेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर लेफ्ट एक आएगा और ये जो पीछे वाला बैक का आएगा, ये फ्रंट के सामने लिखते हैं, तो ये आएगा, ये भी एक ही आएगा। तो अगर इनका टोटल किया जाए तो कितना आता है, तो इनका टोटल आता है 12। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो इसी तरीके से काउंट करना है, इसी तरीके से फास्ट काउंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सीधा स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो टॉप सरफेस कितने हैं यहाँ पे, टॉप सरफेस दो है। यहाँ पे राइट सरफेस कितने हैं, राइट साइड से अगर देखेंगे तो क्या क्या है, ये एक कम्प्लीट सरफेस है, ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है। तो टोटल तीन सरफेसेस राइट से आ गए। अब देखते हैं हम लेफ्ट से, अगर लेफ्ट से देखेंगे तो कम्प्लीट एक ही सरफेस दिखेगा, यहाँ पर कोई छुपा हुआ सरफेस है नहीं, तो एक सरफेस आएगा। अब देखिए टॉप हो गया, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। अब देखते हैं फ्रंट साइड से, तो फ्रंट से अगर देखेंगे हम तो ये एक सरफेस आएगा फ्रंट का एल वाला शेप, और ये बचा हुआ एक सरफेस आएगा। तो फ्रंट से दो सरफेस आ गए। अब देखते हैं बैक से, फ्रंट हो गया, अब बैक से देखेंगे तो ये कम्प्लीट एक ही तो पार्ट है, तो यहाँ पे
एक आएगा ये। अब देखते हैं बॉटम साइड से, बॉटम साइड से भी यहाँ से यहाँ तक एक ही पार्ट है, तो बॉटम भी हमारा एक ही सरफेस आएगा। अब स्लांटेड ST जो है, तो यह एक स्लांटेड सरफेस है, तो यहाँ पे एक स्लांटेड सरफेस आएगा। तो इनका अगर टोटल काउंट करेंगे तो कितना आएगा, ये तीन, ये तीन, तीन और चार सात, सात और चार अकरा, 11 टोटल आएगा, 11 ये टोटल सरफेस काउंट आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये मेरा सात इस सेट का 7th क्वेश्चन हो गया है। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसके लिए ज़रा सॉरी, अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। तो यहाँ पे टॉप साइड गिनना स्टार्ट करेंगे, तो ये एक टॉप साइड आ गई, ये एक टॉप साइड आ गई, तो टी इक्वल टू 2 आ गए। अब हम देखते हैं कि राइट साइड कितनी आएंगी। तो राइट साइड ये कंप्लीट एक सरफेस है, यहाँ पे कोई भी हिडन सरफेस नहीं है, तो राइट साइड हमारी 1 आ गई। सिमिलरली लेफ्ट हमारी 1 आएगी, अगर पीछे से देखेंगे तो यही दिखने वाला है पूरा का पूरा, पीछे से भी यहाँ पे भी कोई ब्रेक नहीं है, तो ये आ गया। अब देखते हैं हम फ्रंट साइड से, फ्रंट साइड से अगर देखेंगे तो ये एक सरफेस दिखेगा और ये एक सरफेस दिखेगा, तो फ्रंट साइड से हमें 2 सरफेस दिख रहे हैं। अब देख लेते हैं बैक से, बैक से देखेंगे तो ये एक सरफेस आएगा और ये एक सरफेस आएगा। यहाँ पे ये जो ब्रेक है इसकी बात करता हूँ मैं, कोई ब्रेक नहीं चाहिए, ये अगर कम्प्लीटली जॉइंट होता है यहाँ से यहाँ तक तो एक सरफेस काउंट करता, पर ये बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन आने की वजह से ये ब्रेक आया है, तो यही आता है बैक से। तो बैक से कितना आएगा, तो 2 आएंगे बैक से। अब हम बॉटम से देखते हैं, बॉटम से अगर देखेंगे तो ज़्यादा सरफेस आ रहे हैं, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये एक बॉटम से आएगा, ये एक बॉटम से आएगा और ये नीचे वाला एक बॉटम से आएगा, तो बॉटम से 3 सरफेस आ रहे हैं। अब देखते हैं स्लांटेड सरफेस ST, तो ये एक स्लांटेड सरफेस है, ये एक स्लांटेड सरफेस है और ये एक स्लांटेड सरफेस है, तो स्लांटेड सरफेस कितना आएगा, तो 3 आ रहे हैं। तो इनका अगर टोटल करेंगे तो कितना आएगा, तो ये टोटल 6 आ गया, 6 और ये 6 12 और ये 2 14, तो टोटल आंसर 14 आ रहा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देख, ये एक इजी क्वेश्चन है, तो मैं इसको ज़रा फास्ट सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे आता है टॉप सरफेस हमारे 2 आ रहे हैं, राइट साइड से अगर देखेंगे तो ये 1 आएगा, फ्रंट साइड से अगर देखेंगे तो ये 1 और ये 1 आएगा, तो फ्रंट साइड से 1 आ गया। अगर बैक साइड से देखेंगे तो ये कम्प्लीटली 1 आएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 आएगा बैक साइड से भी। तो यहाँ पे टॉप सरफेसेस कितने आएंगे, तो 2 आते हैं, एक ही आता है, ये एक आता है। टॉप सरफेसेस 2 आ गए। अब हम राइट सरफेसेस देखते हैं, तो राइट सरफेस 1 आ रहा है ये। अब हम देखते हैं फ्रंट सरफेसेस देखते हैं, तो ये फ्रंट आएगा, ये एक आएगा फ्रंट साइड, ये एक फ्रंट साइड आएगी और ये अंदर वाली एक फ्रंट साइड आएगी, तो टोटल फ्रंट साइड 3 आ गई। सिमिलरली हम बैक भी देख लेते हैं, तो बैक साइड कितनी आएंगी, ये एक बैक साइड आएगी और ये एक बैक साइड आएगी, तो टोटल बैक साइड 2 आ रही है। अब 2 बचे हैं, तो बॉटम देख लेते हैं पहले, बॉटम ये एक साइड है, तो ये एक है और स्लांटेड भी एक है, तो बस अब बच गया लेफ्ट साइड। मैंने लेफ्ट साइड इसलिए छोड़ा था क्योंकि ये बहुत इसमें ज़्यादा है लेफ्ट साइड, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था। अब हम उसको ले लेते हैं लेफ्ट साइड वाले को, तो लेफ्ट साइड से अगर देखेंगे तो ये एक दिखेगा लेफ्ट साइड, ये एक दिखेगी लेफ्ट साइड, ये एक लेफ्ट साइड दिखेगी, ये एक लेफ्ट साइड है और ये एक लेफ्ट साइड है, तो टोटल इसमें लेफ्ट साइड आ रही है 5। तो अगर हम इनका टोटल काउंट करते हैं तो ये टोटल काउंट आता है 15, ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही जवाब है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन है, तो सिमिलरली टॉप से स्टार्ट करेंगे।
तो अगर टॉप से स्टार्ट किया हमने तो ये एक टॉप सरफेस आएगा, ये एक टॉप सरफेस आएगा और ये अंदर वाला एक टॉप सरफेस आएगा। तो टोटल टॉप सरफेस कितने आ रहे हैं, तो तीन आ रहे हैं। सिमिलरली अब राइट साइड देख लेते हैं, राइट साइड अगर काउंट करेंगे तो कितने सरफेस आएंगे, ये एक आएगा, ये एक आएगा और ये अंदर वाला एक आएगा। तो राइट सरफेस, राइट साइड से सरफेस कितने आ रहे हैं, तो तीन आ रहे हैं। अब लेफ्ट साइड से देख लेते हैं कितने सरफेस आएंगे, तो ये अंदर वाला एक सरफेस आएगा, ये होता है लेफ्ट साइड वाला सरफेस, और पीछे वाला एक आएगा तो ये होता है दो। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से ये सरफेसेस दो आएंगे। अब फ्रंट देख लेते हैं, अब हम फ्रंट से अगर देखेंगे तो ये कंप्लीट एक सरफेस आ रहा है, तो यहाँ पे दो सरफेसेस नहीं आएंगे, यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, तो ये फ्रंट साइड से एक ही सरफेस आएगा। अब सिमिलरली बैक से अगर देखेंगे तो ये एक सरफेस आता है और ये पीछे वाला एक है, ये जो है बीच वाला ये उसका ब्रेक है, इसलिए बैक से हमें दो सरफेसेस मिलेंगे। और अगर बॉटम से देखेंगे तो मैं ज़रा इंक चेंज कर लेता हूँ, हम अगर बॉटम से देखेंगे तो ये एक आएगा बॉटम वाला और ये अंदर वाला एक बॉटम वाला आएगा, तो यहाँ पे बॉटम वाला दो आते हैं। इसमें कोई स्लांटेड नहीं है इसलिए इसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल कितना आ रहा है, चलो करते हैं, ये छः, ये छः आता है टोटल, टू प्लस टू प्लस टू, और ये थ्री और थ्री सिक्स आता है, तो टोटल आता है हमारा थर्टीन, टोटल आ रहा है हमारा थर्टीन। ये आता है छः, ये आ रहा है सिक्स हमारा, ये आ रहा है सिक्स, तो ट्वेल्व हो गया और एक थर्टीन, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, तो ये 11 नंबर का प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन का। तो 11 नंबर के प्रॉब्लम में हमें फिर से सरफेस काउंट है, तो टॉप कितने सरफेस आ रहा है, तो एक ही आ रहा है और एक ही आ रहा है, तो टॉप सरफेसेस दो आ रहे हैं राइट साइड से। राइट साइड से अगर देखेंगे तो ये एक सरफेस दिखेगा, ये एक सरफेस दिखेगा और ये अंदर वाला सरफेस एक दिखेगा, तो अंदर वाले सरफेस कितने दिख रहे हैं, तो राइट साइड से तीन सरफेस दिख रहे हैं। सिमिलरली अगर लेफ्ट साइड से देखेंगे तो पीछे एक सरफेस दिखेगा, ये एक सरफेस दिखेगा, ये अंदर वाला एक सरफेस दिखेगा, तो ये टोटल तीन सरफेस यहाँ पे भी दिख रहे हैं। अब देखते हैं फ्रंट साइड वाला, फ्रंट साइड वाला एक कंप्लीट एक सरफेस है, यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं है, इसलिए फ्रंट साइड वाला एक दिख रहा है। तो मैं ज़रा इंक चेंज कर लूँ, अब देखते हैं हम बैक साइड वाला, तो फ्रंट के सामने हम बैक साइड लिखेंगे, तो बैक साइड से अगर देखेंगे तो एक ही सरफेस दिखेगा, एक ही ये सरफेस दिखेगा और ये एक सरफेस दिखेगा बैक साइड से, तो बैक साइड से हमें दो सरफेसेस दिख रहे हैं। अब देखते हैं बॉटम साइड है सरफेसेस, तो बॉटम साइड से ये एक सरफेस दिखेगा, ये एक सरफेस दिखेगा और ये एक सरफेस दिखेगा, तो बॉटम हमें तीन सरफेसेस दिखेंगे और बच गया स्लांटेड। तो स्लांटेड जो है, तो ये जो कंप्लीट है तो ये स्लांटेड सरफेस है, तो ये टोटल एक सरफेस है। अगर इनका टोटल काउंट करते हैं तो थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स प्लस थ्री नाइन और नाइन प्लस फोर थर्टीन, थर्टीन एंड टू फिफ्टीन, तो टोटल आता है हमारा फिफ्टीन, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर आंसर। अब हम यहाँ का 12 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। तो मैं आपको ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, तो इसको अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे टॉप सरफेसेस कितने आएंगे, ये एक और ये एक टॉप सरफेस आएगा। सिमिलरली अगर हम राइट साइड देखते हैं तो ये एक कंप्लीट राइट साइड दिखेगी और ये एक राइट साइड है, तो राइट साइड में दो सरफेसेस आ रहे हैं। अब लेफ्ट साइड से देख लेते हैं, लेफ्ट साइड से पीछे से हमें कोई भी ब्रेक नहीं दिख रहा है यहाँ पे इस बॉटम पे, तो ये एक आ गया। अब फ्रंट साइड देख लेते हैं, तो फ्रंट साइड ये एक फ्रंट साइड है और ये अंदर वाली एक फ्रंट साइड है, तो टोटल दो सरफेसेस दिख रहे हैं। सिमिलरली इसके पीछे वाला बैक साइड अगर देखेंगे तो ये एक बैक साइड दिखेगी और ये एक बैक साइड दिखेगी, तो टोटल दो बैक साइड दिख रही है। और बॉटम
और स्लांटेड। तो स्लांटेड तो ये एक आ गया, ये तो कन्फर्म है। अब देखते हैं बॉटम का, मैं थोड़ी इंक चेंज कर लो। तो ये एक बॉटम सरफेस आएगा, ये अंदर वाला एक बॉटम सरफेस आएगा और ये एक बॉटम सरफेस आएगा। तो टोटल तीन आएंगे बॉटम सरफेस। तो अगर इनका टोटल काउंट करते हैं तो कितना आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी 13 इसका टोटल काउंट आ रहा है। ये होता है हमारा पाँच, ये होता है हमारा पाँच और ये होता है तीन। तो टोटल 13 हमारा काउंट आ रहा है। तो आप देख रहे हो मैं बहुत तेज़ी से इनको सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको भी यही करना है, इसी की प्रैक्टिस करो। अगर आपको इनफ प्रैक्टिस हो गई है तो ये लिखने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये भी मत लिखो, सीधा काउंट करना स्टार्ट कर दो। पर पेपर में अगर लिखोगे तो इजी होगा, यही इसका पूरा उद्देश्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको टॉप सरफेसेस से। तो टॉप सरफेसेस कितने आ रहे हैं, ये दो आ रहे हैं। राइट साइड से अगर देखेंगे तो ये एक आएगा और ये एक आएगा, तो राइट साइड से दो सरफेसेस आएंगे। अगर लेफ्ट साइड से देखेंगे तो सीमित, लेफ्ट साइड से देखेंगे तो एक सरफेस आएगा। फ्रंट साइड से अगर देखेंगे तो ये एक सरफेस आ रहा है और ये एक सरफेस आ रहा है, तो यहाँ पे दो सरफेसेस आएंगे। बैक साइड से अगर इसके बैक साइड से देखेंगे तो ये कम्प्लीटली जॉइन है, इसलिए एक सरफेस आएगा। तो बॉटम से अगर देखेंगे तो बॉटम से हमें एक ही सरफेस दिख रहा है, कम्प्लीटली जॉइन है इसलिए एक ही सरफेस दिखेगा। अब बचेगा स्लांटेड, यहाँ पे एक स्लांटेड सरफेस दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है तो ये स्लांटेड सरफेस दिख रहा है, तो ये एक आएगा। तो अगर हम इनकी टोटल करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इनकी टोटल क्या आ रही है दोस्तों, तो ये फाइव, ये सेवन और ये तीन दस, तो टोटल 10 हमारे टोटल आ रही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये एक सॉल्व होने के बाद मैं दो प्रॉब्लम आपको होमवर्क के लिए दूंगा, टोटल मेरे तीन प्रॉब्लम होमवर्क के लिए होंगे आपके लिए। तो आप उनको ट्राई करो और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं टॉप सर्फेसेस से। तो ये एक टॉप सरफेस, ये एक टॉप सरफेस, ये एक टॉप सरफेस, तो तीन टॉप सरफेस आ गए। नेक्स्ट लेते हैं राइट साइड से। तो राइट साइड से अगर काउंट करेंगे तो ये एक राइट साइड वाला पूरा पार्ट आएगा, तो एक राइट साइड आ गई। सिमिलरली लेफ्ट साइड भी एक ही आएगी, पीछे से एक ही पूरा का पूरा रहेगा, तो ये एक आ गया। यही पूरा विजुअलाइजेशन होता है जो आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम देखते हैं फ्रंट साइड से। तो फ्रंट साइड से ये एक दिख रहा है और ये एक दिख रहा है, तो फ्रंट साइड से और ये एक दिख रहा है, तो टोटल फ्रंट साइड से तीन आ गए। सिमिलरली बैक साइड से भी तीन दिखेंगे, ये एक है, ये एक है और ये एक है, टोटल तीन बैक साइड से आ गए। अब बचा हमारा बॉटम साइड से। तो ये बॉटम साइड से एक सरफेस ये है, ये अंदर वाला एक है और ये एक अंदर वाला है, टोटल तीन सरफेसेस हमारे बॉटम साइड से आ गए। तो अगर इनका टोटल काउंट करेंगे तो कितना आएगा, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व और ये दो दो है तो 14। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो मैं आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। ये मैं दो प्रॉब्लम आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसके स्क्रीन शॉट्स निकाल लो या फिर यहीं पर सॉल्व कर लो। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट में मुझे डाल बता देना। ये एक है और ये एक है, ये थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है, इसको ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। तो ये भी आपका एक होमवर्क आएगा। तो आपका सेशन कैसा लगा ये मुझे बता देना, और मैं इसी तरीके से कल इसी टॉपिक पे 10 और 12 15 क्वेश्चन मैं फ्रंट व्यू के लूँगा और टॉप व्यू के लिए लूँगा। यही आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बीआर के लिए भी और नाटा के लिए भी। इसकी अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको 40 और बीआर में तो 140 मार्क तक ये सब स्पेशल विजुअलाइजेशन आता है, इसके लिए मैं ये सब ले रहा हूँ। चलो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वही एक चाहिए, बस लाइक करते रहो।